तो जिसका हम ये था बहुत बेसब्री से इंतजार, वो फाइनली घड़ी आ गई। और जैसे कि हम देख ही सकते हैं कि एमसीसी ने अपनी काउंसलिंग का डिटेल्स डाल दिया है फॉर ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड, सेंट्रल, वो जो भी करते हैं, राइट। और हमें ये उम्मीद थी कि 15 मार्च तक काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, जो मैंने लास्ट वीडियो में डाला था, लेकिन एज पर दिस शेड्यूल अब ये कम से कम 23 मार्च तक चली रही है। दैट मीन्स हम मान सकते हैं कि जो सेशन है वो 1 अप्रैल को चालू होगा 2021 का। एंड दैट्स वाई जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर किया, जो आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं, कि काफी बच्चे हैं 450 से 600 की रेंज वाले जिन्हें प्राइवेट में एडमिशन लेना था और अब उन्होंने ड्रॉप करने का फैसला कर लिया है, बिकॉज फॉर द रीजन विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट वीडियो, मैं दोबारा नहीं करूंगा। देखिए सब कुछ कुछ खास नहीं है। 19 तारीख यानी बुधवार से स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन, 24 तक चलेगा। ये mcc.nic.in जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आई एम श्योर वो सबको मालूम है। आपको वेबसाइट पे जाना है, 4 राउंड होंगे, हमेशा गैप दिया जाता है हर राउंड के बाद, और इस गैप से गैप देखिए बहुत छोटा है। तो 4 फरवरी तक रिपोर्टिंग दी जा रही है और 9 फरवरी से सेकेंड राउंड आ रहा है। तो जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चूंकि अब ऑल इंडिया कोटा से इंडिपेंडेंटली चलेगा, तो गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है कि स्टेट्स फॉलो नहीं करेंगे, और जितने भी स्टेट्स की इस समय डेट खुल रही है, ऐसे लग रहा है कि इन द सेम टाइम जब तक ऑल इंडिया कोटा चलेगा तभी हाथ के हाथ स्टेट्स भी अपना राउंड कर लेंगे। तो वो जो 15 डेज 10 डेज का लैग होता था लास्ट ईयर तक, वो होने की संभावना बहुत कम दिख रही है। इन्होंने तो समय भी नहीं दिया है। तो लास्ट ईयर में क्या था, राउंड 1 और राउंड 2 में तकरीबन 10 से 12 दिन का गैप होता था, जो कि इस बार हार्डली 5 दिन का है टोटल। तो इससे साबित हो जाता है कि स्टेट काउंसलिंग्स मोस्टली अब एमसीसी के राउंड्स के साथ साथ ही चलेंगी। 2-3 दिन का गैप हो सकता है, पर वो 10-12 दिन का गैप नहीं होगा। मतलब हमें वो मौका नहीं मिलेगा कि हम पहले एमसीसी का राउंड 1 का रिजल्ट अच्छी तरीके से देख लें और फिर अपनी चॉइस फिलिंग करें स्टेट्स में। शायद हमें स्टेट्स की चॉइस फिलिंग पहले ही करनी पड़ेगी, अपने आप को कमिट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराने पड़ेंगे। और अभी तक डिटेल कुछ भी नहीं दिखाई है इन्होंने, लेकिन लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से भाई 2 लाख रुपए अब चाहें तो, मतलब मेरे पास अभी भी सेव्ड पड़ा है मेरे होम पेज पर ही, जो कि हमारा मैं हमेशा अपने होम पेज पे ही रखता हूँ इसको, कि जो हमारा लास्ट ईयर का ब्रोशर था फॉर दी एमबीबीएस काउंसलिंग, अभी मैंने रखा हुआ था ये रहा, ये अभी ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर था जो अभी तक इन लोगों ने डाला नहीं है होम पेज पे, और अक्सर ही लोग डालते हैं। तो जब ये बटन काम करने लग जाएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आना चाहिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जो अभी तक इस साल का नहीं आया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप लास्ट ईयर का दे सकते हैं। पीजी के हिसाब से हम जानते हैं कि 2 मेजर चेंजेस हो चुके हैं, एक तो ऑल इंडिया कोटा के 4 राउंड होंगे, और दूसरा कि एनआरआई और मुस्लिम माइनॉरिटी और जैन माइनॉरिटी की सीट्स अब मॉपअप राउंड के बाद नहीं, मॉपअप राउंड के दौरान ही कन्वर्ट हो जाएंगी जनरल सीट्स में। तो इससे काफी फर्क पड़ेगा कि मॉपअप राउंड में डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ज्यादा मिलेंगे नॉन एनआरआई के बच्चों को, और शायद स्ट्रीम मॉपअप तक सीट्स कम बचेंगी विज अविज जो लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर में बेसिकली जब मॉपअप राउंड के बाद कन्वर्ट होती थी, तो मैंने कहा ना कि 15% एनआरआई सीट बहुत होती है। तो अगर 8,000 डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट्स है, तो वी हैव अबाउट 1,200 सीटें हमारे पास एनआरआई की हैं डीम्ड में, इतने एनआरआई आते ही नहीं है हर साल। तो काफी सारी सीटें होती थी जो तो स्ट्रे मॉपअप में कन्वर्ट होती थी, और इस साल वही मॉपअप में कन्वर्ट हो रही है। तो ये ब्रोशर मैं आपको चाहो तो लास्ट ईयर का है, बहुत जल्दी जल्दी बता देता हूँ, वैसे तो हम सबको सब मालूम ही है। देश में एम्स, जिपमर, AMU, BHU को हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मानते हैं, उसकी सारी काउंसलिंग एमसीसी कराती है हर सीट की लास्ट राउंड। दिल्ली में जो 5 कॉलेज हैं, मौलाना आजाद, लेडी हार्डिंग, UCMS, वर्धमान महावीर और राम मनोहर लोहिया, उनकी काउंसलिंग भी एमसीसी कराती है। राउंड 1 फ्री एग्जिट होता है। अब ऑल इंडिया कोटा में भी 27% ओबीसी का रिजर्वेशन आ चुका है, तो वो हमें मालूम है कि आएगा। EWS आ चुका है, तो लास्ट ईयर DU की जो हमने बात की कि स्टेट कोटा की सीट्स भी एमसीसी ही काउंसलिंग कराता है, और कुछ ऐसे खास फर्क नहीं होता है। बस ये देखिए सबसे बड़ा जो जामिया की जो BDS कॉलेज है, उसका भी
यही लोग कराते हैं। एएमयू जो मैंने बताया, बीएचयू हो गया, एएमयू में थोड़ी इंटरनल सीट्स होती हैं, वही जो माइनॉरिटी की सीट्स हैं, मतलब। और फिर बहुत सारे फैक्ट होते हैं, तो अगर आप चाहें तो ये जब जब भी ये ब्रोशर आ जाएगा, आप लोगों को बहुत डाउट्स होते हैं, जिनमें जिन्होंने भी पेड काउंसलर हायर नहीं करा, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनके सारे डाउट्स हम सॉल्व करते रहते हैं, वरना बहुत अच्छा इन्होंने फैक्ट्स दे रखे होते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस आप ये देखेंगे, तो अगर आप ये ढंग से पढ़ेंगे तो आपके काफी हद तक डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो पेज नंबर 30 से पेज नंबर 45 तक सब कुछ होता है कि कैसे कैसे एग्जिट होता है, कब तक आप फीस वापस कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो जो भी आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में अभी कोई भी कंफ्यूजन है, तो आपको बहुत अच्छे से लिखे गए हैं ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, और ये आपको काफी हद तक आपके सारी डाउट को क्लियर कर देते हैं। और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं रिपोर्टिंग के लिए, कुछ खास नहीं चाहिए होते, जो आपके पास ऑलरेडी होंगे वही चाहिए होते हैं, बस एक अलॉटमेंट लेटर लेके जाना होता है। यही जो इनका बहुत फेमस ब्रोशर है कि फ्री एग्जिट होता है राउंड वन में, राउंड टू इज एग्जिट विथ फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर आपको सीट मिल गई और आपने नहीं ली, और ऑफ कोर्स अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो यू आर इनएलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग। यही टेबल काफी स्टेट्स इंडिया के एज इट इज चिपका के इस्तेमाल कर लेते हैं। फीस हमें पता ही है कि ₹2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट जाता है फॉर जो जो टीम ने भी पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, और ₹11,000 वुड बी पेड बाय द पीपल जो गवर्नमेंट सीट लेना चाह रहे हैं एज पर लास्ट ईयर। मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ ये चेंज होगा। सो ये मैंने आपको दिखा दिया है, बता दिया मैंने आपको कि लास्ट ईयर का है वैसे। ओके, तो यही आएगा दोबारा। अब जैसा मैंने कहा कि अगर आपने कोई काउंसलर हायर नहीं करा है, तो पेज नंबर 30 से 50 ये बहुत अच्छे फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन देते हैं, बहुत बहुत कुछ तक कवर कर देते हैं, तो बहुत कम डाउट आपके पास रह जाएंगे जब भी आपको आएगा, और आप इन डाउट्स को, इन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या क्या किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो बेस्ट विशेस, वी आर कहते हैं ऑन, आप लोगों को अपना ड्रीम सीट मिलने वाली है, और देखते हैं क्या होता है। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।